सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो फाइनली एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं पोको X2 के लिए। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डॉर्फेस्ट रूम के बारे में, जो इसका एक और एंड्रॉयड 11 पे अपडेट आ चुका है और जो कि काफ़ी सही अपडेट आया है इसमें। मतलब आपको रेडक्लिफ का जो कर्नल मिलता है वर्जन 2.12 परफॉर्मेंस वाला, तो भाई मतलब इस कर्नल पे परफॉर्मेंस मैंने खुद BGMI टेस्ट करा, अपने टेस्टर से भी टेस्ट करवाया, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ला के दे रहा है ये रोम। और आप अगर लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 वाला विथ लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 के फीचर्स के साथ आप गेमिंग करना चाहते हो तो भाई ये रोम मैं आपको रिकमेंड करूँगा, काफ़ी सही परफॉर्मेंस मिल रहा है। तो इस रोम को आप ज़रूर से ट्राई करना। और बात करेंगे, इस रोम में एक कर्नल का अपडेट आ चुका है जिसमें थोड़े बग फिक्स हैं, तो मैं वो भी बताऊंगा आपको कैसे इंस्टॉल करना है रोम, साथ साथ में बताऊंगा कर्नल कैसे इंस्टॉल करना है इसमें नया वाला। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, आपको मैं सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। बात करें इस रोम के बारे में, तो भाई मतलब सारे बेसिक फीचर्स जो हैं रोम में सारे मिल जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बग इसमें मेरे को देखने को नहीं मिला अभी तक। डर्प क्वेस्ट में आपको इसमें सारे कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ कस्टमाइजेशन की, तो भाई इसमें भी अच्छे खासे कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं। अगर मैं एक एक सेटिंग बताने लगूँ तो भाई मतलब वीडियो लंबी हो जाएगी। सारे रोम में कस्टमाइजेशन आजकल लगभग सेम ही आ रहे हैं, कुछ में ज़्यादा रह रहा है, कुछ में कम रह रहा है, बाकी सारे बेसिक फीचर्स इसमें सेटिंग में सारे प्रॉपरली काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बात करें डिस्प्ले सेटिंग में, तो भाई इसमें भी आपको थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, आपको डर्प क्वेस्ट में भी काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, तो आप देख लेना, आप जब रूम इंस्टॉल करना आप चेकआउट कर लेना। और हाँ, इस रूम में भी आपको नोटिफिकेशन पैनल से आपको रिफ्रेश रेट चेंज करना, FPS मीटर का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप उसको ईजिली कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बात करें कैमरे की, तो इसमें आपको इनबिल्ट जो NX कैमरा मिल जाता है वर्जन 191, तो आपको अलग से NX कैमरा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका यूज इजीली कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और आज बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा इग्नोर करना है गाइस, जैसे कि आपकी क्रॉस आपको इग्नोर करती है। तो फटाफट बात कर लेते हैं इस रोम की स्मूथनेस की, तो भाई स्मूथनेस के मामले में ये रोम थोड़ा सा पीछे रह जाता है, मैं बोलूँगा 1920 का डिफरेंस है 1920 का स्मूथनेस के मामले में, थोड़ा ये रोम पीछे रह जाता है। क्योंकि मुझे इसलिए पता चल रहा है क्योंकि मैं सारे रोम्स ट्राई करता हूँ, पिछले 10 दिनों में मैं चार रोम तो ट्राई कर चुका हूँ, तो मुझे कुछ पता चल रहा है कि हाँ स्मूथनेस थोड़ा कम है इस रोम में। बाकी बात करें इस रोम के चेंज लॉक की, तो आप पढ़ सकते हो पॉज करके, इस रोम में काफ़ी सारे चेंज लॉक्स हैं। और बात करें बिल्ड की, तो ये रोम आई गेस 5th बिल्ड है, मैं इसका 4th बिल्ड ट्राई कर रहा हूँ, मतलब पिछले 3 बिल्ड्स मैंने ट्राई कर चुके हैं और इसमें मुझे गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिला, परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छा मिला इस रोम में, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो ये 4th बिल्ड है इस रोम का जिसपे मैं वीडियो बना रहा हूँ खुद से ट्राई करने के बाद। बात करें सबसे मेन फीचर की, मैं बोलूँगा सबसे मेन टॉपिक की, तो जो कि ये गेमिंग, तो हाँ भाई आप अगर एंड्रॉयड 11 के साथ साथ लेटेस्ट फीचर के साथ अगर गेमिंग करना चाहते हो तो ये रोम आपको ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। मैंने हॉट ड्रॉप किए इग्निशन में, जो इरेंगल में आया है टेस्ला फैक्ट्री, मैंने वहाँ पर भी ड्रॉप किए, तो काफ़ी अच्छे FPS ये रोम दे रहा था। और बात करें मतलब ओवरऑल FPS मेंटेन की, तो हाँ ये रोम काफ़ी अच्छा FPS मेंटेन कर रहा था, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बात करें हीटिंग की, तो भाई अगर रोम परफॉर्मेंस देगा तो थोड़ा बहुत तो हीट हो गए, जो कि नॉर्मल है सारे रोम्स के साथ, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कूलर या फिर टेबल फैन यूज़ करना गेमिंग के टाइम, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बैटरी बैकअप की बात करें, तो 6-7 घंटे नॉर्मल यूज़ में ये रोम आपको अच्छी खासी बैटरी दे देगा। अगर बात करें पबजी की, तो भाई आपको 2.5-3 घंटे तो आराम से फुल चार्ज पे पबजी BGMI चल जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर बात करें इंस्टॉलेशन की, तो रोम फाइल की साइज़ देख सकते हो आप 1.74 GB है, और साथ साथ आपको रोम के साथ साथ आपको इसमें रेडक्लिफ का कर्नल इंस्टॉल करना है वर्जन 2.12 का, और इस कर्नल में आपको माइक फिक्स मिलता है, जो कि इस रोम में जो इनबिल्ट कर्नल है इसमें थोड़ा माइक का इशू हो जाता है, आप जब कॉल करते हो ईयरफोन पे या फिर BGMI में आप अपने टीममेट से बात करते हो तो आपकी आवाज़ उसको नहीं जाती है, तो इस कर्नल में ये फिक्स किया गया है। तो ये रोम के साथ साथ आपको ये कर्नल फ्लैश करना, ये कर्नल इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको ये दिक्कत हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कैसे इंस्टॉल करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रोम का और कर्नल का, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। रोम फाइल पे जाओगे, क्लिक करोगे तो आपको ऐसा पेज खुलेगा, उसके बाद आपको सबसे ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करना है और देख सकते हो ट्राई टू डाउनलोड एनीवे पे क्लिक करना है, तो आपका रोम का जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। रोम का फाइल मैंने बता दिया 1.71 GB का है। तो रोम इंस्टॉल करने से पहले आप अपने इंटरनल स्टोरेज, कॉल और SMS के सारे बैकअप ले लेना, उसके बाद आपको जाना है रिकवरी में, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है।
रिकवरी में बूट होने के बाद आपको जाना वाइप पे, आपको सेलेक्ट करना है डेल्विक डाटा और केच और स्वाइप टू वाइप कर देना है। उसके बाद जाना है आपको फाइल्स पे और आपको रोम फाइल सिलेक्ट करनी है। आपने जहाँ भी रोम फाइल रख रखा है इंटरनल में या फिर एसडी कार्ड में, तो आपको रोम फाइल सिलेक्ट करनी है। रोम फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको करना है स्वाइप टू इंस्टॉल। इससे आपका रोम का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप वेट कर लेना। रोम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको कर्नल फ्लैश करना है। ये आपको ज़रूर से फ्लैश करना है, वरना आपका माइक ग्लिच होगा, आपको माइक का बग मिलेगा। तो इसको सेलेक्ट करना है कर्नल को और स्वाइप टू इंस्टॉल कर देना है, तो कर्नल आपको इंस्टॉल हो जाएगा थोड़ी देर में। उसके बाद आपको जाना है वाइप पे, फिर जाना है फॉर्मेट पे और आपको यस लिखना है और इस ऑरेंज आइकन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका रोम फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद आपको रिबूट सिस्टम पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका रोम सक्सेसफुली बूट हो जाएगा। तो जब आप फर्स्ट टाइम रोम बूट करोगे तो आप नोटिस करोगे कि आपका डिस्प्ले का कलर थोड़ा वाइटिश दिख रहा है, तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर जाना है डिस्प्ले में। उसके बाद आपको कलर्स पे जाना है, तो कलर्स पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट एडेप्टिव पे मिलेगा, तो इसको आपको नेचुरल कर देना है। उसके बाद आपका ये फिक्स हो जाएगा, आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो। तो बस गाइस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको इस रोम के इंस्टॉलेशन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। अगर आपको कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है आपके फ़ोन से रिलेटेड, रोम फ्लैश करने से रिलेटेड, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। और बात करें इस रोम के इंस्टॉलेशन में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, इस रोम में कोई भी आपको मेजर बग देखने को मिल रहा है, तो देख सकते हो इस रोम के डेवलपर मेरे ग्रुप में ऑलरेडी हैं, रेड क्लिप सर, तो आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो इस रोम के बग के कोई भी फिक्स के बारे में। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो फटाफट से अगर आपके पास भी पोको X2 है। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।